لي لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. आज की नेकी, गुनाहों से बचना आ, याद रखें कि जिस महीने में हम चल रहे हैं रमजान मुबारक में अल्लाह व तआला एक नेकी का अजर 70 गुना बढ़ा कर देता है तो नेकियां हासिल करने के लिए दौड़ लगाइए और गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहिए आज इनशाला इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि गुना क्या होता है इससे किस तरह बचना चाहिए गुना की कितनी किस्में हैं और अगर गुनाह हो जाए तो किस तरह तोबा तलब करनी चाहिए और इस्पेशली क्योंकि अल्लाह सुबहाना व रमज़ान में शयातीन को जकड़ लेता है जंजीरों में तो फिर भी अगर हम गुना करते हैं तो ये गुना क्यों हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और इस सदक़े जारिया में हमारे लिए भी और आपके लिए भी अल्लाह बहुत अता फ़रमाए आमीन गुना क्या है गुना अल्लाह व ताली की ना फरमानी करना यानी अल्लाह ने जो हुकुम हम तक पहुँचाए हैं उसको ना मानना और उस पर ना अमल करना और उन हिदायतों को जो इसने अपने पैगम्बर और नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी ना गुज़ारना गुना है क्योंकि अल्लाह सबाना ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के तहत भेजा है हम बे मक़सद नहीं पैदा हुए हैं अल्लाह अल्ला ने कुरान पाक में फ़रमाया है वमा खलक़त जन्ना वबदून मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है अब इबादत सिर्फ़ ये नहीं है कि आप सिर्फ़ नमाज पढ़ें रोज़ा रखें हज करें इबादत का मतलब है कि हर तरीके से हर अमल से सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की अतात करना क्योंकि जिन और इंसान को अल्लाह सुल्हाना माली ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है क्योंकि अल्लाह ने हमको पैदा करके हम पर इतना बड़ा एहसान किया है जिसका हक़ हम अदा नहीं कर सकते हाँ मगर उसकी मान कर उसको खुश कर सकते हैं उसको राज़ी कर सकते हैं हम सबका बड़ा मसला यही है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते इसीलिए हम परेशानी तो और आजमाइश में आते हैं क्योंकि अल्लाह सब्बाना माली ने हमें पैदा किया है हमें उसी की तरफ लौट के जाना है लेकिन हम हमें ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर नहीं पैदा होती इसका खौफ नहीं पैदा होता कि हमें उसकी तरफ लौट के जाना हर किसी को अल्लाह सुबहान ने अपनी तरफ वापस बुलाना है अगर ये खौफ हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम गुनाहों से बचें अल्लाह के नबी सली वसलम से किसी ने पूछा कि गुनाह क्या है तो आपने भी सलील वसलम ने फरमाया जो तेरे जी में खटके अगर किसी को इसका पता चल जाए तो तुझे बुरा महसूस हो ये है गुनाह गुना हमसे कब होता है जब हम बुराई को बुरा जानना छोड़ देते हैं यानी अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेज आजकल बहुत हो रहे हैं तो हम ही समझते हैं कि नहीं ये तो एक माहौल है अगर हम ये ना करेंगे तो लोग हमें बैकवर्ड कहेंगे तो ये क्या हुआ बुराई को बुरा जानना छोड़ दिया और ज़माने की सिमत हम भागने लगे ज़माने की सिमत हम चलने लगे तो क्या हुआ गुना शादिर हो गया और वो बुराई जो थी वो गुना में कन्वर्ट हो गई अगर किसी माशरे में बुराई को बुराई जानना छोड़ दिया जाए तो वो माशर तबाह हो जाता है आप देख लीजिए वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है बुराई को बुरा जानना छोड़ दिया है तो वो वहाँ पर बड़े बड़े गुनाह होते हैं फिर इंसान को राइट और रॉन्ग की तमीज़ ख़त्म हो जाती है अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है गुनाह सवाब की तमीज़ ख़त्म हो जाती है फिर बस वो ये देखता है कि ज़माने में जो कुछ हो रहा है हम भी वही करेंगे और ये काम हमसे कौन करवाता है जो हमारा खुला दुश्मन है शैतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान तुम्हारे साथ ऐसा रहता है जैसे तुम्हारी रगों में खून बहता है क्योंकि अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है कि तुम जो ईमान वाले बनते हो या कहते हो तो क्या अपने दिल से अल्लाह को एक मानते हो अल्लाह की मानते हो लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते याद रखें कि हर गुना का असर होता है उसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है गुनाह की भी दो किस्म होती हैं जिसे हम कहते हैं गुनाह कबीरा और एक होता है गुनाह सग़ीरा गह कबीरा वो होता है जिसके अमल पर दुनिया में हद मुकर कर दी हो अल्लाह ने और इसे करने पर आखरत में भी सज़ा और वहीदे सुनाई गई हों और इस गुनाहों पर अल्लाह ने सख्त गु़स्से का इजहार किया हो जैसे कि शराब पीना जिना करना वालदे की नाफरमानी करना सूद खाना किसी गुना हक कत्ल करना शिरक करना इन गुनाहों की माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ तौबा से होती है और जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी ही बड़ी आपको नेकी करनी होगी और तौबा करने के बाद की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गुजारनी होगी तभी अल्लाह आपकी तोबा को कबूल फरमाएगा अब गुनाह सख़ीरा वह होते हैं जो नेकमाल करने की वजह से मिटा दिए जाते हैं यानी दूसरे अल्फाजों में ये समझ लीजिए कि जिन गुनाहों का कफ़ारा नकियाँ बन जाती हैं और जिन गुनाहों का कफ़ारा नकियाँ नहीं बनती हैं वो गुनाहे कबीरा ही रहते हैं जैसा कि वज़ू के, के बाद दो नफिल अदा करना या मस्जिद में जाकर दो नफिल अदा करना ये छोटे छोटे जो गुनाह हमसे हो जाते हैं अल्लाह सुबहाना तआला इन नेक हमाल के ज़रिए उनको नेकियों में बदल देता है लेकिन याद रखें अगर गुनाह सगीरा घड़ी घड़ी किया जाए तो वो भी गुनाह कबीरा बन जाता है इस रमज़ान में आपने गुनाह कबीरा सगीरा दोनों से बचना है और बचने का तरीका यह है कि कुरान की तिलावत ज़्यादा सुनिए तो उसकी कुरान की तिलावत कीजिए तर्जुमा तफ़ी के साथ पढ़िए अच्छे दोस्तों के साथ उठें बैठें जो आपको अल्लाह के करीब कर दे हदीस में आया है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह दब्बा लग जाता है और अगर वो गुनाह से ना बचे और गुनाह मुस्तकिल करता रहे तो उसका दिल गाफ़िल हो जाता है अल्लाह की याद से तो इस रमज़ान में भी और अपनी ज़िंदगी में भी छोटे बड़े सब गुनाहों से बचें अल्लाह सुबहाना ताली फरमाते हैं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो छोटे गुनाहों में वैसे ही माफ़ कर दूँगा अब ये जान लेते हैं कि अगर किसी से गुनाह हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए सबसे पहले तौबा तलब करनी चाहिए तौबा का मतलब है रुजू करना पलटना उसकी तरफ़ देखना इसके मायने ये हैं कि इस गुनाह को अला सुबहान ताली के खौफ से तर्क कर देना और अल्लाह के सामने निदामत आजी और इस अज़म के साथ खड़े होना कि आइंदा ऐसे अमल दोबारा नहीं होगा और अगर गुनाह हो जाए तो फिर तोबा तलब कीजिए क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं कि इंसान आदम का बेटा है और आदम का बेटा खताकार है लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो रुजू कर ले जो तोबा तलब कर ले क्योंकि अल्लाह सुबहान तफ़ूर रहीम है तोबा को कबूल करने वाला है जिसने अल्लाह को राज़ी करना है अपने रिस में इजाफ़ा करवाना है तो वो ये छोटा सा एक है, मुस्तकिल पढ़ती रहिए वो ये है अस्त फिर रबी में कुल्ली रम वही मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ जो मेरा रब है और इसी की तरफ हमें रुजू करना है अल्लाह सुबह व हमें छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तोफ़ी अता फरमाएँ आमीन